यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और चांदीवली विधानसभा क्षेत्र से बतौर उम्मीदवार पंडित सुनील शुक्ला के हौसले बुलंद हैं, इच्छा शक्ति प्रबल है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा, जब 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी तो चांदीवली विधानसभा क्षेत्र का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है और इसी को लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग रैलियां निकाली जा रही हैं। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, लेकिन इसी कड़ी में ठाणे जिले के कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर सियासत गरमाने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इस बार के उम्मीदवार गणपत गायकवाड़, इनकी वजह से सियासत गरमाई हुई है। वजह यह है कि बीजेपी विधायक और उम्मीदवार गणपत गायकवाड़ एक अज्ञात कॉल गर्ल के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग को किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक जगत में हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया में कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद विधायक गणपत गायकवाड़ ने इस कॉल रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज़ होने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत एक लिखित तौर पर वहां के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को सौंप दिया है। गणपत गायकवाड़ का ये दावा है कि किसी ने मिमिक्री करके ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में वायरल की है। उन्होंने पुलिस से इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि 141 कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक गणपत गायकवाड़ इससे पहले दो बार निर्दलीय रूप से उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और इस बार गायकवाड़ भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी अखाड़े में हैं और मतदान में केवल 48 घंटे से 36 घंटे का समय रह गया है। हम आपको बता दें कि एक बार फिर गणपत गायकवाड़ को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वो आखिर चीजें क्या है, पहले आपको ये सुना देते हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि महिला से बातचीत कर रहे शख्स की आवाज गणपत गायकवाड़ की है। भीती वाटते, रिलेशन खूप जपलं पाहिजे ना। बघ आता इथे कांजूरबागचा बोर्ड आहे, भांडुपचा बोर्ड आहे, मुलुंडचा बोर्ड आहे, पण आता मी काय बघ माहितीये का, ब्रिजच्या वरती चढलो, कशाला गेलात ब्रिज वरून, आता येतो मी परत युटर्न मारून, तू येशील तिथपर्यंत डायरेक्ट तो मधला रोड लागेल ना, तिथूनच युटर्न मारावा लागेल पुढे, एकदम पुढे जाऊन पुढे आता सिग्नल वरती, हो सिग्नल वरतीच, तिथून आलात की ब्रिजच्या खालून या नंतर। ये जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे यही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। In24 News इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल इस मामले में गणपत गायकवाड़ ने एक लिखित शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज की है, लेकिन गणपत गायकवाड़ का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाना जरूरी है। लगातार माझा डुप्लिकेट आवाज काढून कोणीतरी जाणीवपूर्वक मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केले गेले। आज आपल्याला माहिती आहे विरोधक माझे किती गुंड आणि क्रिमिनल माइंडचे लोक आहेत, कारण की त्या लोकांनी मागच्या टायमाला पण आपण बघितलं असेल तर त्यांचंच नगरसेविका माधुरी काळे, त्यांचे मिस्टर प्रशांत काळे ह्यांना घरी बोलवलं, पार्टी केली आणि पाठीमागून त्याच्यावरती वार केला आणि त्याचे आरोप संजय गायकवाडवरती टाकले होते। त्याच पद्धतीने या ठिकाणी माझ्यावरती आज एक खोटी ऑडिओ बनवून काहीतरी आणि ती लोकांमध्ये पसरावी, कारण का आज आपल्याला माहिती आहे आता दोनच दिवस निवडणुकीला बाकी आहेत आणि सर्व जनता माझ्या पाठीची आहे, माझे मतदार माझ्या पाठीचे आहेत, त्याच्यामुळे ही बदनामी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्या लोकांनी केली आहे आणि म्हणून मी लगेच मला आज आता रॅली संपल्यावरती माहिती पडलं, तसंच मी पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट केली आहे आणि त्याच्या ज्यांनी ही व्हायरल केली असेल किंवा ज्यांनी ही टेप बनवली असेल त्यांच्यावरती योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली।